सभी बच्चों को नमस्कार। इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण आप सब लोग ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास के तहत मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आपके पाठ्यक्रम के अंदर है CCE, CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रेंशिप इवेल्यूशन। हम सूचना में डूब रहे हैं और ज्ञान की भूख से तड़प रहे हैं। सूचनाएं तो हम लगातार प्राप्त करते चले जा रहे हैं, ज्ञान का विस्फोट करते चले जा रहे हैं और उस ज्ञान की भूख से हम तड़प भी रहे हैं। अब ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसे? इस सतत माने ध्यान में आता हो, सतत माने लगातार, निरंतर। और एक समग्र शब्द यूज में लिया गया है, इसमें समग्र का मायने होता है होल। होल माने सारी विषय वस्तु को सम्मिलित करते हुए विद्यार्थी का हमें क्या करना चाहिए? मूल्यांकन करना चाहिए। इस सतत समग्र मूल्यांकन की जो बात सबसे पहले कही गई वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई। उसमें सिफारिश रखी गई कि जो हमारे मूल्यांकन की प्रणाली है वो लचीली होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए और उसमें सभी विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसने तो सिफारिश की थी, किंतु जब NCF 2005 को हम पढ़ते हैं तो NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसकी यदि हम मार्गदर्शक सिद्धांत को पढ़ें तो मार्गदर्शक सिद्धांत में भी यह बात कही गई है कि जो हमारी परीक्षा प्रणाली है, मूल्यांकन की प्रणाली है, वो कैसी होनी चाहिए? सतत होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, यानी रिजिड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम 3 घंटे का पेपर दे रहे हैं वो 3 घंटे के अलावा और सारी विषय वस्तु को अपन सम्मिलित ना करें। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो प्रारंभ हुआ है वो NCF 2005 के तहत प्रारंभ किया गया है। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अभी मैंने आपको कहा कि मूल्यांकन जो हम शब्द देखते हैं तो इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सम्मिलित होती है। केवल क्वांटिटी से काम नहीं चलता, केवल क्वालिटी से काम नहीं चलता, इसलिए जिसमें परिमाण और गुण दोनों की बात की जाए वो मूल्यांकन है। तो परिमाणात्मक रूप से हम परीक्षाएं आयोजित करते हैं बच्चे की और उसमें हम मार्क्स देते हैं, वो एक प्रकार से परिमाण है, लेकिन कहीं हम इसमें क्वालिटी को भी सम्मिलित करें तभी वो सतत समग्र मूल्यांकन यहाँ पर कहलाएगा। अब RTE Act 2009 में भी इसकी बात कही गई है, धारा 29(2) में कहा गया है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले नंबर की बात है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुरूप हो, बालक का सर्वांगीण विकास करे, बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमता के विकास का अधिकतम अवसर हो, सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि आधारित हो और खोजने की प्रवृत्ति बढ़ाने वाली हो, बच्चों के सीखने और समझने का व्यापक एवं सतत मूल्यांकन हो। अब सीखने की जो विशेषताएं यदि अपन देखें तो सीखने की विशेषताएं क्या हैं? सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। अर्थ निकालना और गूढ़ चिंतन, चिंतन और कार्य करने की क्षमता विकसित करना शिक्षा प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चे अनेक प्रकार के तरीकों से सीखते हैं। ये तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? अनुभव के जरिए बच्चे सीखते हैं, खुद के अनुभव भी होते हैं और जो हमारे अभिभावक हैं या शिक्षक हैं उनके भी अनुभव उसमें जोड़े जाते हैं। चीजें बनाकर के सीखते हैं, कार्य करने से सीखते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, आपस में चर्चा करके सीखते हैं, प्रश्न पूछकर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, विचार और चिंतन करके सीखते हैं, वाणी गतिविधि और लेखन के जरिए अपने आप को अभिव्यक्त करके वैज्ञानिक रूप से तथा दूसरों के साथ दोनों तरीकों से वो सीखते हैं। उन्हें अपने विकास के दौरान इन सभी किस्मों के अवसरों की आवश्यकता होती है। संज्ञानात्मक रूप से तैयार होने से पहले बच्चों को कुछ सिखाना उन्हें वास्तविक सिखाने से दूर होता है। बच्चे बहुत से तथ्यों को याद कर सकते हैं लेकिन संभवतः उन्हें समझ नहीं सकते अथवा वे उन्हें अपने चारों ओर के जगत के साथ जोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते। नेक्स्ट बिंदु यदि अपन देखें तो बच्चा स्कूल के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर सीखता है। ऐसा नहीं कि बच्चा केवल विद्यालय में ही सीखता है, बच्चा विद्यालय के अलावा विद्यालय के जो बाहर है
उसका समाज है, उसका समुदाय है, उसका परिवार है, वहां भी हमारा बालक सीखता है। यदि दोनों क्षेत्रों में परस्पर अंतःक्रिया होती है तो सीखने अथवा शिक्षा प्राप्ति में समृद्धि आती है। कला और कार्य उस संपूर्णतावादी शिक्षा प्राप्ति के लिए अवसर मुहैया करते हैं जो विपुल उपलक्षित और सौंदर्यपरक संगठन होते हैं। यह बहुत जरूरी है कि ऐसे अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखे जाएं और जीवन के साथ उनका एकीकरण किया जाए। सीखने की गति भी अपन जानते हैं कि बच्चों की अपनी अपनी होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे देरी के साथ सीख पाते हैं। तो सीखने की गति इस प्रकार होनी चाहिए कि सीखने वाले संकल्पनाओं को आत्मसात कर सकें और उन्हें गहराई से समझ सकें, बजाय इसकी कि उन्हें केवल याद कर लें। यानी रटने, इसमें मार्गदर्शक सिद्धांत में अपन ये भी पढ़ेंगे कि जो रटंत विद्या से मुक्ति मिले इसकी बात कही गई है, तो उन्हें केवल याद कर लें और परीक्षा होने के बाद भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ सीखने में विविधता होनी चाहिए और उसे चुनौतियां प्रस्तुत करनी चाहिए। सीखना रोचक और चेताकर्षक होना चाहिए। नीरसता इस बात का संकेत है कि कार्य बच्चे के लिए यांत्रिक, उसे बार बार दोहराए जाने वाला कार्य बन गया है और उसका कोई संज्ञानात्मक मूल्य नहीं है। नेक्स्ट बिंदु देखें अपन, तो सीखना मध्यस्थता के साथ अथवा उसके बिना हो सकता है। उत्तरोक्त के मामले में सामाजिक संदर्भ और अन्योन्य क्रिया, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो सक्षम हो, सीखने वालों को उनके स्तर से उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने की दिशा प्रदान करती हैं। अब मूल्यांकन की जो वर्तमान व्यवस्था है उसको यदि अपन देखें, और ये चैप्टर वैसे भी थोड़ा सा बड़ा है, तो मूल्यांकन की वर्तमान व्यवस्था क्या है कि बच्चों की क्षमता और प्रगति की संपूर्ण जानकारी नहीं ली जाती। बच्चों के सीखने और उनकी प्रगति के बजाय फोकस होता है बच्चों की उपलब्धि पर। मूल्यांकन का प्रमुख आधार होता है पेपर पेंसिल टेस्ट। बच्चों को प्रगति को अंकों में देने में उन तुलना और तनाव का कारण बनती है। बच्चों के सीखने का मूल्यांकन करने में अभिभावकों की भूमिका कम है। ये सारी बातें आज हम वर्तमान में देख पा रहे हैं कि जो मूल्यांकन की प्रणाली है वो उसमें कहीं भी सही मूल्य में बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे ना तो अपनी क्षमताओं को बता पा रहे हैं, ना ही हम उनका ठीक प्रकार से आकलन कर पा रहे हैं। हमारा केवल और केवल फोकस रह गया उनकी उपलब्धि पर कि वो कितने मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। 99% मार्क्स लाने पर भी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, जबकि क्वालिटी उस बच्चे के अंदर नहीं है। मूल्यांकन का आधार हमने पेपर पेंसिल रख रखा है, जबकि हमने कहा कि अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। क्लासरूम में बच्चे बहुत सारी अभी क्रियाएं करते हैं, कहीं ना कहीं उन क्रियाओं को भी हमें मूल्यांकन का आधार बनाना होगा। केवल अंकों में हम तुलना करने लग जाते हैं, इसके ज्यादा आगे इसके कम आगे, वह भी ठीक नहीं है। ये सब बातें क्या है, तनाव का कारण बनती चली जा रही है और हम देख रहे हैं कि बच्चे आज सोसाइटी की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में जो एक अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, आज शायद वो अभिभावकों की भूमिका भी नहीं है। तो बच्चों वर्तमान स्थिति हमें मूल्यांकन की समझ में आनी चाहिए। और नेक्स्ट जो अपन